हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉकिंग मेन पॉइंट्स के बारे में जो हो सकते हैं कल की बड़ी रॉ में। दोस्तों, कल का रॉ होने वाला है गो होम शो या फिर लास्ट रॉ बिफोर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल। बहुत सारा मजा आने वाला है और बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं कल के रॉ में। तो चलिए अब बात करते हैं कल के रॉ के लास्ट मिनट मेन पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, बोकन हार्डी एंड ब्रे वाइट की टीम टैग टीम टूर्नामेंट जीत चुकी है और वो फेस करेंगे द बार को एट ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। अब तो बार की टीम तो स्मैकडाउन लाइव पर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कल रॉ में आएंगे। तो फिर हमें वोकन हार्डी एंड ब्रे वाइट की टीम को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उनकी एक टैग टीम मैच होगी एक जबरदस्त या जॉबर टैग टीम से, और उनके ओपोनेंट हो सकते हैं ब्रिजांगो। दोस्तों, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में लैडर मैच होने वाली है फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर वर्सेस समोआ जो वर्सेस द मिज। और इस मैच में बॉबी लैशली भी एडवर्टाइज हो रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या बॉबी लैशली इसमें इंक्लूड होते हैं या नहीं। और समोआ जो और मिज तो स्मैकडाउन लाइव में है, पर मुझे नहीं लगता कि वो कल रॉ में आएंगे। फिर इस मैच के बिल्डअप के लिए सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर एक टैग टीम मैच में दिख सकते हैं अगेंस्ट केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन। दोस्तों, बॉबी लैशली ने अपने रिटर्न किया और फिर इलायस पर जबरदस्त अटैक किया था, और फिर उसके अगले रॉ में बॉबी लैशली को एक टैग टीम मैच में डाला गया था। WWE की ये एकदम बकवास बुकिंग थी बॉबी लैशली के लिए। तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल बॉबी लैशली का एक सिंगल्स मैच हो अगेंस्ट इलायस या फिर किसी और के साथ। बहुत सारे चांसेस है कि कल ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर की टीम की मैच होगी टाइटस वर्ल्ड वाइड के अपोलो क्रूज एंड टाइटस ओनील के साथ। होपफुली एक स्क्वाश मैच होगी डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। और दोस्तों, सऊदी अरेबिया में 50 मैन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल होने वाला है। ये पहला रॉयल रंबल होगा जिसमें 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो फिर हमें इसकी झलक कल रॉ में देखने मिल सकती है एक बैटल रॉयल के रूप में या फिर पूरे लॉकर रूम के ब्रॉल से। दोस्तों, सबके दिमाग में ये सवाल है कि जिंदर महल का क्या रोल होगा कल के रॉ में। फिर आपको याद होगा कि लास्ट रॉ में जिंदर महल को कहा गया था कर्ट एंगल ने कि वो अपना US चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे जेफ हार्डी के खिलाफ, और फिर ऐसे जिंदर महल ने अपना US चैंपियनशिप हार गए जेफ हार्डी से। तो फिर हो सकता है कि कल के रॉ में जिंदर महल और कर्ट एंगल के बीच में आर्ग्यूमेंट हो इस बात को लेकर, और फिर आउट ऑफ नोवेयर नो वे होसे शो अप करे और फिर हमें उनके एक मैच देखने मिले जिंदर महल वर्सेस नो वे होसे। ये इसलिए क्योंकि पिछली रॉ में बैक स्टेज जिंदर महल और नो वे होसे का कन्फ्रंटेशन हुआ था। और दोस्तों, कल फाइनली यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर अपना बड़ा रिटर्न करने वाले हैं आफ्टर रेसलमेनिया 34। मैं आपको अब बताऊंगा कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का सेगमेंट किस तरह हो सकता है। दोस्तों, हमें दो सिनेरियोस यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज की हमें ब्रॉल देखने मिलेगी और पूरा लॉकर रूम उन्हें सेपरेट करने आएगा। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज की बड़ी ब्रॉल होगी जहाँ पर एक लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा। अब हमें देखना होगा कि वो लास्ट मैन स्टैंडिंग ब्रॉक लेसनर होते हैं या फिर रोमन रेंज। और दोस्तों, कल का रॉ होने वाला है स्कॉटरेट सेंटर में, जहाँ पर रोंडा राउजी को भी एडवर्टाइज किया जा रहा है और एक बड़ी टैग टीम मैच भी एडवर्टाइज हुई है। रोमन रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जिंदर महल, केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन। फिर अब हमें देखना होगा कि क्या ये मैच होती है या नहीं, और अगर ये मैच होती है तो क्या ये मेन शो पर होती है या फिर शो खत्म होने के बाद डार्क मैच होती है। तो दोस्तों, आप सभी एक्साइटेड रहिए एंड स्टे ट्यून रहिए कल की ड्रॉ के लिए, क्योंकि बहुत सारा मजा आने वाला है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और आप कौन से सेगमेंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कल के रॉ के लिए। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।